हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे 7.5 इंच का एक पीस, वो दो पीस हैं जो 2.5 इंच की चौड़ाई और 7.5 इंच की लंबाई। सेम पीस मेरे ये हैं फ्रेंड्स, ये भी दो पीस हैं सेम। ये मेरे 4 पीस हैं फ्रेंड्स जो 5 इंच की लंबाई है और 2.5 इंच की चौड़ाई। ये भी मेरे 4 पीस हैं फ्रेंड्स, ये दोनों सेम हैं। ये 2.5 इंच के 4 पीस हैं और ये भी 2.5 इंच के 4 पीस हैं, तो ये सेम है फ्रेंड्स। तो अब मैं इनका आपको डिज़ाइन सेट करके बताती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन सेट कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पीस लेंगे। पहले इसको लेंगे, यहाँ से सिल देंगे, इसको भी लेंगे, यहाँ से सिल देंगे। छोटे छोटे पीस हैं जो पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे 4 पीस हो गए। तो इसको यहाँ से जैसे भी इन 4 पीसों को पहले सिल लेंगे, फिर आगे बताती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पीस हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस पर रखेंगे और यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। फिर हम इसको लेंगे फ्रेंड्स, फिर हम इसको भी यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। और फिर फ्रेंड इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे करके फिर उसके बाद हम ये पीस सेम बाद में हम इसको कट कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से रखकर सिलेंगे। तो हम ये बारी बारी ऐसे ही सिलेंगे फ्रेंड्स। पहले हम इसको सिलेंगे, ये 2 पीस हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर इसको रखकर सिलना है। तो हमारे ये 3-3 पीस हम रेडी कर लेते हैं। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक अपना ये पीस तैयार कर लिया है। ऐसे ही हमें ये पीस तैयार करने हैं। तो देखिए, ये मेरा 4.5 इंच का आ रहा है। तो हमें यहाँ से 4.5 इंच नाप लेना है और जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा होगा इस पर हम ऐसे लाइन लगा के, ये देखिए, ये इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये सिलना है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद जो भी हमारा इस पीस से ये जो एक्स्ट्रा होगा ये पीस, इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही एक्स्ट्रा लिए थे फ्रेंड, ताकि हमारे डिज़ाइन में कोई कपड़ा छोटा बड़ा ना रह जाए। तो हम बाकी के भी सिल लेते हैं, फिर दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये 4 पीस हो गए हैं और जो भी मेरा एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया। वो आपको मैंने बता दिया कैसे कट करना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक एक पीस लेंगे, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे और पलट देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा हम उसको बाद में कट कर लेंगे। तो सेम यही करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी हम यहाँ रखेंगे, सिल देंगे और पलट देंगे। सेम इसको भी ऐसे ही करना है फ्रेंड्स कि हम यहाँ रखेंगे, सिलेंगे, पलट देंगे। और सेम ये फ्रेंड्स कि इसको यहाँ रखेंगे, सिलेंगे, पलट देंगे। तो मैं अपनी 4 पीस कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस सिल लिए हैं और जो एक्स्ट्रा था वो कट भी कर लिया है। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, हम इन कोने से कोने को जोड़ेंगे, डिज़ाइन ख़राब ना हो फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान दे दीजिएगा। और अगर पिन की ज़रूरत पड़े तो इसको पिनअप कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ से बिल्कुल लाइनिंग से पिनअप कर लिया है। देखिए, ऐसे ही एक पिन हम यहाँ लगा लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन हिले ना और बिल्कुल सही शेप में वहीं के वहीं रहे। तो ये देखिए, मैंने पिन लगा ली है। तो यहाँ से हम सिलेंगे फ्रेंड्स, फिर ऐसे ओपन करेंगे। तो सेम हमें ये करना है फ्रेंड्स कि डिज़ाइन से डिज़ाइन को मिलाना है, ये जोड़ हमें मिलाने फ्रेंड्स। तो यहाँ हम पिनअप कर लेते हैं और फिर यहाँ से सिलाई लगाते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जोड़ लिए हैं और देखिए कोने से कोने मिले हुए हैं फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब इस पीस को हम इसके ऊपर पलटेंगे और सारे कोने से कोने मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम सबसे पहले बीच का जो हमारा डिज़ाइन है, पहले हम इसको पिनअप करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन सेट हो जाए। तो ये हमने बिल्कुल सिलाई पर पिन लगा लिए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमें यहाँ भी पिन लगा लेनी है ताकि हमारे कोने आपस में जुड़े रहें। और फिर हमें यहाँ से सिलना है फ्रेंड। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। सारे कोने से कोने मिले हुए हैं, कोई भी कोना ऊंचा नीचा नहीं हो रहा है। तो देखिए, पूरा परफेक्ट तरीके से ये पीस मेरा कंप्लीट है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।